बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे, अच्छे से कार्य कर रहे होंगे अपना। चलिए बच्चों, आज हम हिंदी विषय में अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले भी अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ चुके हैं, अब दोबारा से आज हम फिर से इसे दोहराएंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक हिरनी थी, उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम था छोना। एक हिरनी थी, उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम था छोना। क्या था उसका नाम? छोना। छोना हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था। छोना किसके साथ रहता था? हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था। वे दोनों जंगल में एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे रहते थे। वे दोनों कहाँ रहते थे? वे जंगल में एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे रहते थे। छोना बहुत ही नटखट था। छोना बहुत ही ज़्यादा नटखट था। वह कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता। वह कभी एक जगह पर न टिकता था। उसकी माँ उसे समझाती, देखो बेटा, यह बरगद का वृक्ष ही हमारा घर है। दोबारा से दोहराएंगे। एक हिरनी थी, उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम था छोना। छोना हमेशा एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे रहता था। छोना बहुत नटखट था। वह कभी इधर भागता, कभी उधर भागता था। वह कभी एक जगह पर नहीं टिकता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, देखो बेटा, यह बरगद का वृक्ष ही हमारा घर है। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब पठित गद्यांश में के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देंगे। हिरनी के बच्चे का क्या नाम था, छोना या राजू? हिरनी के बच्चे का क्या नाम था, छोना या राजू? अपठित गद्यांश में इसके उत्तर को ढूंढेंगे। एक हिरनी थी, उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम था छोना। क्या था उसका नाम? छोना। तो छोना पर हम क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे अपना। छोना किसके साथ रहता था, अपनी माँ के साथ या भालू के? छोना हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था। किसके साथ रहता था छोना? अपनी माँ के साथ। छोना किसके साथ रहता था? अपनी माँ के साथ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद छोना कैसा था? छोना बहुत नटखट था। छोना कैसा था? बहुत नटखट या होशियार? नटखट। चलिए अब हम दोबारा से दोहराएंगे। एक हिरनी थी, उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम था छोना। छोना हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था। वे दोनों जंगल में एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे रहते थे। छोना बहुत नटखट था। वह कभी इधर भागता तो कभी उधर। वह कभी एक जगह पर न टिकता था। उसकी माँ उसे समझाती, देखो बेटा, यह बरगद का वृक्ष ही हमारा घर है। तो प्रश्न अब दोहराएंगे। हिरनी के बच्चे का नाम क्या था, छोना या राजू? छोना। छोना किसके साथ रहता था, अपनी माँ के साथ या भालू? अपनी माँ के साथ। शाबाश। छोना कैसा था, नटखट या होशियार? नटखट।
चलिए, धन्यवाद बच्चों। इस अपठित गद्यांश को दोबारा अपने पास दोहराइए और कार्यपत्रिका दी गई कार्यपत्रिकाओं को करके देखिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।